हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे एक मैजिक एलईडी लाइट। और दोस्तों, इस लाइट को आप कोई भी फ्यूज एलईडी बल्ब से बना सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों, चलिए इस लाइट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक फ्यूज़ एलईडी बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी। उस एलईडी बल्ब को आपको पूरी तरह से खोल देना है। जैसा आप देख सकते हैं, एक एलईडी को मैं पहले से खोल कर रखा हूँ, और इसी तरह से आपको इसको खोल देना है और इसके अंदर का जितना किट है उसे हटा देना है। साथ में दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका जो एल्युमिनियम प्लेट है इसे आपको रखना है, क्योंकि ये आगे हमें काम आएगा। और दोस्तों, इस मैजिक एलईडी लाइट को बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 वाट का 4 बटन एलईडी यूज़ करूँगा, जिसका नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल आपको अच्छे से देख लेना है। और दोस्तों, इसी तरह से मैं चारों को एक साथ कनेक्ट कर दूँगा। और दोस्तों, इसका जो चारों का नेगेटिव टर्मिनल है इसे मैं एक साथ कनेक्ट करूंगा, और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसे मैं एक साथ कनेक्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैं इसे अभी फेविक्विक से एल्युमिनियम प्लेट के ऊपर चिपका दे रहा हूं। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो एलईडी बल्ब है वो अच्छी तरह से चिपक जाएगा, और जो ये एलईडी है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हीट होता है। और दोस्तों, आप जानते होंगे कि एल्युमिनियम बहुत ही ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत अच्छी तरह से। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर इसलिए इसको यूज़ कर रहा हूँ और इसे अच्छी तरह से एल्युमिनियम प्लेट पर चिपका दिया हूँ। और इसके बाद दोस्तों, हम लोग इसका वायरिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके अंदर की तरफ जितना भी टर्मिनल है वो नेगेटिव का टर्मिनल है, और बाहर की तरफ जितना भी टर्मिनल है दोस्तों वो पॉजिटिव का टर्मिनल है। दोस्तों, यहाँ पर मैं कॉपर वायर का यूज़ कर रहा हूँ, और मैं अभी जितना भी इसका पॉजिटिव टर्मिनल है इसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ एक दूसरे के साथ। दोस्तों, इसका कनेक्शन बहुत ईजी है, आप आसानी से अपने घर पर इस एलईडी लाइट को बना सकते हैं। और दोस्तों, इसे आप इमरजेंसी लाइट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, ये रिचार्जेबल भी आप इसे बना सकते हैं, मैंने इसे रिचार्जेबल नहीं बनाया है। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके मोबाइल में मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है वो पूरा इसका वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है इसका वायरिंग कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इसका वायरिंग बहुत इजी है, आप देख सकते हैं, आप भी इसे आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इसे अपने घर पर बनाना चाहते हैं तो मात्र 50 रुपये में आप इसे आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। दोस्तों, इस एलईडी लाइट से आप किसी को मैजिक भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये टच करने से ही जलता है। आप इसे जब तक टच नहीं करोगे इसके बैक साइड में, तब तक ये एलईडी लाइट नहीं ऑन होगा, और जैसे ही आप इसे अनटच करोगे तो ये फिर ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक मैजिक एलईडी लाइट है जिससे आप अपने दोस्तों को अच्छी तरह से प्रैंक कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो वायरिंग है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसको मैं एक बार चेक करके देख लेता हूँ दोस्तों कि हमारा एलईडी सही से काम कर रहा है कि नहीं। और यहाँ पर मैं 3.7 वोल्ट का बैटरी यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, और हमारा एलईडी परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसका आगे का काम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने आपको पहले दिखाया था जो एलईडी बल्ब का होल्डर था, इसे अब हम लोग रेडी करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको 2 कॉपर का वायर लेना है, और इस कॉपर के वायर को हमें एलईडी के साथ कनेक्ट करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर मेरे एक एलईडी का जो वायर है ये ज़्यादा लंबा है, तो मैं इसे कट नहीं करूँगा, इसके ऊपर एक इंसुलेशन लगा दे रहा हूँ, और इसे जो एल्युमिनियम प्लेट के बीच में एक होल है इसे मैं नीचे की तरफ बढ़ा दूँगा। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा पहला जो कनेक्शन है इसका जो वायर है मैं कनेक्ट कर दिया हूँ, और इसके बाद जो दूसरा वायर है उसका भी कनेक्शन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपका जो भी वायर यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं उसका इंसुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ उसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो। दोस्तों, अगर आपका इंसुलेशन प्रॉपर नहीं रहा और दोनों वायर आपस में शॉर्ट कर गए तो आपका एलईडी बल्ब जल सकता है, या फिर उसका जो बैटरी है दोस्तों वो ब्लास्ट हो सकता है। तो दोस्तों, जब भी इसका वायरिंग करें तो इंसुलेशन का ध्यान जरूर रखें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा कनेक्शन है, मैंने दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, इसे जो बीच वाले होल है दोस्तों वहाँ से मैं इसे नीचे की तरफ पार कर दूँगा। दोस्तों, इसका कनेक्शन बहुत ईजी है, आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में एक छोटा सा घंटी होगा उसको ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके मोबाइल में मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो दोनों वायर है अब मैं इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करूँगा। दोस्तों, इसका भी कनेक्शन बहुत ईजी है, आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल है इसे मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, और इसे अच्छी तरह से सोल्डरिंग करके इसे मैं इंसुलेट कर दूँगा।
और दोस्तों बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है इसमें भी मैं एक वायर कनेक्ट करके इसे मैं डायरेक्ट एलईडी बल्ब के होल्डर के साथ कनेक्ट कर दूंगा, जो हमारा स्विचिंग का काम करेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो इंसुलेशन है मैं प्रॉपर कर रहा हूँ ताकि हमारा जो बैटरी है वो ब्लास्ट ना हो या फिर शॉर्ट ना हो। और दोस्तों अगर आपको इसका वायरिंग समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा पहला कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है इसके साथ भी एक वायर को कनेक्ट करेंगे, जो वायर हमारा एलईडी बल्ब का होल्डर के साथ कनेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ पर जो वायरिंग है वो बहुत इजी है, आप देख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो को स्किप करेंगे तो आप बहुत कुछ इसमें मिस कर जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो इसको मैं अच्छे से सोल्डरिंग कर दे रहा हूँ और इसके बाद मैं इसे इंसुलेट कर दूँगा ताकि हमारा आगे शॉर्ट सर्किट ना हो। दोस्तों यहाँ पर हमारा कनेक्शन पूरा लगभग कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद दोस्तों हम लोग इसे एलईडी बल्ब के साथ फिक्स कर देंगे इस वायरिंग को। और दोस्तों अगर आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स से रिलेटेड वीडियो देखना ज़्यादा पसंद है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर आप बहुत सारे वीडियो का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो कनेक्शन है हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ हमें एलईडी को कनेक्ट करना है एलईडी बल्ब के साथ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें जो दोनों वायर है इसे हम लोग एलईडी बल्ब के पीछे तरफ से निकाल लेंगे और इसे अच्छे से सोल्डरिंग कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर इसका जो कनेक्शन है और इसका जो सोल्डरिंग है वो अच्छे से कीजिएगा, नहीं तो जो बाद में आपका कुछ भी फॉल्ट हो सकता है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसे सोल्डरिंग कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हम लोग इसका जो दूसरा वायर है इसका कनेक्शन पूरा कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा पहला वायर था वो कंप्लीट हो चुका है उसका कनेक्शन। अब हम लोग जो इसका दूसरा वायर है इसको कनेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको इसका कनेक्शन समझ में आ गया होगा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे भी मैं अच्छी तरह से सोल्ड कर दूंगा। यहाँ पर हमारा जो सोल्डरिंग है वो पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको आपको चेक भी करके दिखा देता हूँ कि ये एलईडी बल्ब काम कर रहा है कि नहीं। उससे पहले दोस्तों मैं इस एलईडी बल्ब को अच्छी तरह से फिट कर लेता हूँ। जो इसका बैटरी है दोस्तों इसे हम लोग एलईडी बल्ब के फ्रेम के अंदर अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे और उसके बाद जो इसका एल्युमिनियम का प्लेट है दोस्तों इसे हम लोग अच्छी तरह से दबा के फिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा एलईडी बल्ब है ये पूरी तरह से बन के रेडी हो चुका है। अभी मैं आपको इसको चेक करके दिखा देता हूँ। जब भी दोस्तों आप इसके पीछे के दोनों होल्डर को शॉर्ट करोगे कोई भी मेटल के चीज़ से या फिर कोई कॉपर के वायर से तो ये एलईडी बल्ब जलने लगेगा। आप देख सकते हैं मैं जब भी इसके पीछे कोई मेटल को टच करूँगा तो ये एलईडी बल्ब जल रहा है। तो इसी तरह से अभी हम लोग क्या करेंगे, विच के पीछे में एक कॉपर वायर को ऐड करेंगे जो कि हमारा स्विचिंग का काम करेगा आगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग एक कॉपर वायर का छोटा सा टुकड़ा को सोल्ड कर देंगे जो हमारा स्विचिंग का काम करेगा। जब भी आप इस एलईडी बल्ब को पीछे से टच करोगे तो आपका एलईडी बल्ब जलेगा और जब भी आप इसे अनटच करोगे तो आपका जो स्विचिंग डिवाइस है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आपका एलईडी बल्ब ऑफ हो जाएगा। और दोस्तों इस एलईडी लाइट से आप अपने दोस्तों को अच्छी तरह से बेवकूफ़ बना सकते हो, उनके साथ प्रैंक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको इसको पूरी तरह से चेक करके आपको दिखा देता हूँ। बस आपको इस कॉपर वायर को अपने हाथ में छिपा लेना है और उसके बाद आपको अपने दोस्त को बताना है कि देख मैं इसे पीछे से टच करूंगा तो ये जल रहा है। जैसा आप देख सकते हैं कि इसे आप जब भी पीछे से टच करोगे तो ये जलने लगेगा। और दोस्तों यहाँ पर मैंने एक एक वाट की चार एलईडी यूज़ की थी जिससे आपको बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस मिलता है। आप देख सकते हैं कि इसका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।